भारत का नक्शा है, जो एक बच्चा भारत का नक्शा बनाए, जिस तरह हम अपने नक्शे में देखते हैं कि जो भारत का सिर है, ये भारत का सिर है जिसमें पहला राज्य जो है वो जम्मू और कश्मीर है, उसकी राजधानी श्रीनगर। ये वाला हिस्सा जो है पूरा हिस्सा भारत का पश्चिमी भाग है, और इधर भारत का क्या है, पूर्वी भाग। ये भारत का पश्चिमी भाग, ये पूर्वी, ऊपर है सिर उत्तर और नीचे है दक्षिण। नीचे क्या है, दक्षिण है। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से, जम्मू और कश्मीर इधर पश्चिम की तरफ, ये इधर वाली जो आंख है वो पंजाब, और पूर्व की तरफ की जो आंख है वो है हिमाचल प्रदेश। पंजाब के नीचे है हरियाणा, और दोनों की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। और अगर इधर देखें तो हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के नीचे है उत्तरांचल, और उसकी राजधानी है देहरादून। और उसके बाद जैसे भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश जो गले का हार है सजा हुआ, उसी तरीके से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश क्या है, गले का हार, और इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ। क्या है, मध्य में, यानी बीच में, शरीर के बीच में, मध्य में है, बिल्कुल देखो, मध्य प्रदेश। क्या है, और जो भारत है, भारत के पश्चिम में गिने चुने राज्य हैं, यानी कि राजस्थान और गुजरात। पर अगर भारत के पूर्व में देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो हैं वो भारत के पूर्व में तुम्हें दिखाई देंगे। तो हम लोग पश्चिम से शुरू करेंगे, यहाँ पर है महाराष्ट्र, फिर उसके बाद राजस्थान, और यहाँ पर है गुजरात, और गुजरात के बाद यहाँ पर है समुद्र। क्या है, समुद्र। अब उसके बाद ये है हमारा पश्चिमी घाट जो है, ये पूरा हिस्सा, इसमें यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद इसके नीचे एक छोटा सा राज्य है गोवा, जिसकी राजधानी पणजी है। फिर उसके बाद उसके नीचे है कर्नाटका, फिर सबसे नीचे देखेंगे आप लोग बिल्कुल पैरों की तरफ है केरल, और यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है वो खत्म हो जाता है, फिर पूर्वी घाट शुरू होता है। पूर्व में जो सबसे नीचे राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, ऊपर को बढ़ेंगे थोड़ा सा, आंध्र प्रदेश में से ही अलग होके बना है तेलंगाना, और उसके बाद ऊपर उसके उड़ीसा, और उसके बाद उड़ीसा के बाद है अगला राज्य छत्तीसगढ़, जो उड़ीसा के पश्चिम में है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद अगला राज्य है झारखंड, झारखंड के ऊपर है बिहार, बिहार के बाद अब हम पूरब की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, फिर है पश्चिम बंगाल, और ऊपर एक छोटा सा कोना निकला हुआ है, देखो भारत के नक्शे में यहाँ पर देख सकते हैं, एक छोटा सा कोना ये निकला हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर एक कोना निकला हुआ है, ये है जो कंधा है उसकी तरह, ये है सिक्किम। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, भारत का पूर्वी हिस्सा कितने छोटे छोटे राज्य हैं, असम है, उसके नीचे मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, और यहाँ पर जो ये बिल्कुल कोने वाला हिस्सा है भारत के पूर्वी हिस्से का, इसमें भी बहुत छोटे छोटे राज्य हमारे मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इनकी राजधानियों के साथ ये लिखे हुए हैं त्रिपुरा, आप लोग इन्हें इस तरीके से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आपके सामने भारत का नक्शा भी है, और जो नक्शा हमारे बच्चे ने बनाया वो भी है, दोनों के बीच में आसानी से अंतर आप पता कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, और इसे आसानी से याद कर सकते हो।